बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। गुड इवनिंग गाइज, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये सैटरडे का दिन है, शाम का टाइम है, नन्नू कर रहा है अपनी गाड़ी वॉश। मैंने तो अपने कपड़े धो लिया, तो नन्नू ने कहा चलो अब मेरे को टाइम मिला तो मैं अपनी गाड़ी वॉश कर लेता हूँ। पहले वो साइकिल वॉश करता है, अब अपना कर रहा है गाड़ी, खेल रहा है पानी में। तो कपड़े जो हैं धुल चुके हैं, उसके बाद मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। बस ना कपड़ों को करना है ड्रायर, और उससे पहले यहाँ पर हो रही है मशीन की सर्विस। मशीन में ना मतलब इतना कचरा फंसा हुआ था, कपड़े ढंग से धुल नहीं रहते, तो मैंने हस्बैंड को बोला एक बार चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये देखो इतना ज़्यादा गंद निकला है। वैसे हम ना 2 महीने में 3 महीने में करते रहते हैं इसको क्लीन, ताकि मशीन जो है जल्दी ख़राब ना हो और कपड़े अच्छे से धुले। तो ये देख लो इतना सारा ना इसमें से क्या था, रुए थे कपड़े के, बहुत ज़्यादा ना डर्टी हो रखा था। ये जाली होती है मशीन के नीचे ना, वही हमने खोल के सारा इसको क्लीन किया। तो ये नन्नू पानी डाल रहा था, इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो मैंने ना मशीन को अंदर से भी अच्छे से रब करके, जो ये ब्रश है ना कपड़े धोने वाला, इससे रब करके अच्छे से क्लीन कर ले, क्योंकि हस्बैंड ने खोल तो सारा ही रखा था। मैंने कहा अब लगे हाथ इसको भी क्लीन कर ले, और हस्बैंड बैक साइड से देख रहे थे कि कुछ गंद वगैरह तो नहीं फंसा हुआ। तो सारा कुछ हो गया है क्लीन, मशीन की हो गई है सर्विस, हमने घर बैठे कर दिया है। और ग्रिल साफ़ करके मैं यहाँ डाल रही हूँ कपड़े, आधे मेरे ग्रिल पर डलते हैं, आधे मैं डालती हूँ रस्सी पर। और हस्बैंड यहाँ पर अपना स्वेटिंग जो आई थी वो साफ़ कर रहे थे, तो मैंने बोल रही थी वीडियो चल रही है, कह रहे तेरे अब वीडियो कहीं पे भी चलने लग जाता और बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, तो वही हंस रहे थे। और यहाँ कपड़े डालते डालते मुझे वही 7:30 हो गया था टाइम, तो मैंने साथ ही साथ ना पूरे छत को भी धो डाला था। मैंने कहा इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही है, अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो ऊपर छत पे बैठा करेंगे तो मिट्टी में कहाँ ही बैठा जाता है, तो लगे हाथ मैंने सारी छत को धो दिया है। तो बस कपड़े धोकर सीधा मैं आ गई थी बाहर रिलायंस मार्ट। यहाँ पर ना थोड़ा बहुत सामान लेना था घर का, और जेली कर रहा था नन्नू बहुत दिन से कि मुझे जेली खानी है, तो इसके लिए मैं जेली का पैकेट लेकर आई हूँ। मेरे को ये था कि घर पे ही बना लूँ, बाहर पता नहीं कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। और फिर भाई अब यहाँ पर आए हैं तो 10 चीज़ें दिखती हैं, तो 10 के में से कुछ ना कुछ चीज़ें उठानी है। तो बस यहाँ पर नन्नू के लिए हर्षरी ले ली है, और कुछ उसके लिए चिप्स वगैरह ले लिया। तो डिमांड तो इसकी रहती है कि ये ले लो वो ले लो, तो जो भी हमें समझ आया, जो भी इसके लिए लगा कि ठीक है खाने के लिए, तो वो सारा सामान ले लिया है। बस यहाँ पर अब लास्ट में करा लेते हैं बिलिंग, जो कि नन्नू करा रहा है एक एक सामान देकर। और उसके बाद हम आ गए थे मंडी, अनाज मंडी है ये, फरीदाबाद की सबसे बड़ी मंडी है। और यहाँ पर हमें इतना टाइम लग गया ना मंडी में, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो बस मंडी से सीधा हमारे घर पर सारा मतलब सामान लेके, बैजेस हो गए, और जो रिलायंस का सामान लिया था वो अलग, और फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे। तो बस अभी इसको अलग कर दूंगी, लगाऊंगी बाद में। उससे पहले मैंने फटाफट चाय बना ली, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, 7:30 हो गया था। और क्या है मेरे को यहाँ पर ना चक्कर भी आ रहे थे, मुझे लग रहा था मेरा बीपी लो हो गया, क्योंकि ना इतनी भीड़ थी। तो भीड़ में ना वैसे भी मेरे को थोड़ी सी घबराहट वगैरह होती है। तो बस आके कुछ खाया और चाय पी, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करके खाना वाना बनाया। लेट हो गया था और आके मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो ये है नेक्स्ट डे की, यानी कि संडे का दिन है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर हो रहा था 9, हम उठ चुके हैं, नन्नू उठ चुका है। और यहाँ पर मैं कर रही थी ब्लैंकेट्स को फोल्ड, मुझे ये था कि पहले जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह का काम है ना वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। बस बेडरूम जो है वो हो गया है क्लीन, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। जो रात के बर्तन थे उनको सबसे पहले लगा लूँगी, क्योंकि मैं रात को नहीं लगाती हूँ, वैसे तो बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको। तो बस इनको फटाफट से लगा लेते हैं।
बस बर्तन लगाने के बाद मैं यहाँ पर जो साबुत धनिया होता है ना उसको धो रही थी, क्योंकि ना अभी सिंक जो है क्लीन है, बर्तन वगैरह नहीं थे, तो मुझे ये था कि अभी मैं साथ साथ इसको लगे हाथ धो लूँ, फिर धूप में रख दूँगी और जिससे कि जल्दी सूख जाएगा। वैसे मैंने धूप में नहीं रखा, पंखे के नीचे ही रखा था, उसका भी रीज़न है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना बंदर बहुत आते हैं, तो ये है कि अगर धूप में हम बैठे हैं, अगर सामान रखा है तो उसके साथ बैठना ही पड़ेगा, चाहे धूप है चाहे ठंड है, जैसे भी है, ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत है भैया, कुछ ना कुछ कांड करके ही जाते मेरे सामान के साथ। इसलिए मैंने ना इसको पंखे के नीचे ही सुखा लिया था। अच्छा, धो इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। पहले ना मैं इसको बिना धोए ही पीसती थी, तो अब क्या है मैं इसको धो के पीसती हूँ ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है बिना धोए वाले में और धोए वाले में। क्या होता है, टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है और पाउडर जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है, फाइन बनता है। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं बन रहा वैसे तो, चपाती बना रही हूँ, रात वाली सब्जी आलू गोभी, उसको मैंने गर्म कर लिया, साथ में चाय रख दिया है, साथ में है दही। तो आ जाइए गाइस ब्रेकफास्ट कर लीजिए। वैसे तो आज मैंने पोहे सोचा था लेकिन कड़ी पत्ता नहीं था तो इसलिए पोहे रह गए और पोहा भी नहीं था। तो बस यहाँ पर नन्नू की नौटंकी चल रही थी, नौटंकी कर करके खाता है वो खाना ना, मतलब सीरियस होके खाता ही नहीं है। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा मैं लग गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। बर्तन जो है क्लीन हो गए हैं, अभी बारी आती है काउंटर टॉप को और कुक टॉप को क्लीन करने की। तो कुक टॉप को और जो मेरा काउंटर टॉप है ना उसको मैं उसको बाइट से अच्छे से रब कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को मॉर्निंग में करना है या फिर रात को करना है, दिन में कभी भी कर लेती हूँ, जब भी मुझे ज़्यादा गंदा लगता है या फिर मुझे लगता है कि नीड है अभी करने की। तो इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड ले लेती हूँ और थोड़ा सा विनेगर ले लेती हूँ, जिससे कि ना स्मेल भी नहीं रहती है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाकी आप मेरा काउंटर टॉप तो देख ही सकते हो कैसे शाइन कर रहा है, अपनी तारीफ खुद ही मुँह से ना। एनीवेज अभी काउंटर टॉप जो क्लीन हो गया है और मैंने यहाँ पर जो धनिया मैंने वॉश किया था ना इसको यहाँ पर फैला रही हूँ, स्लैब पे इसलिए फैला रही हूँ भैया हमारे घर पे बड़ा मूंगी तो मेरे घर में ही है, मेरे घर में ही रहता है भैया, वो अगर उसको दिख जाता है कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में ना क्या खुराफाती चलती रहती है, कुछ ना कुछ करना है। और इसके ना मैंने बात की, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई इसके, इसने नन्नू ने यहाँ पर देख लिया तो तीन चार मतलब मुठियाँ भर भर के तो उसने नाश ही करा इनका। अब क्या ही कर सकते हैं बच्चा भैया, कितना समझाए। एनीवेज अभी किचन जो है क्लीन हो गई है, झाड़ू पोछा रहता है। उससे पहले मैं यहाँ पर लगाई थी कलर मेहंदी, मैंने भी कुछ टाइम पहले ही लगाई थी, पता नहीं क्या है मेहंदी मेरे अब बालों में ना टिकी नहीं रही है, जब जब वॉश करो तब तब ही निकले जा रहे हैं और वाइट बाल बहुत हो गए थे, तो मैंने कहा कि अभी मेहंदी घोली भी नहीं है तो कलर ही लगा लेते हैं और जब झाड़ू पोछा करूँगी तभी के साथ साथ सूख जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बस कलर लगा लिया है और मैंने यहाँ पर गार्नियर का कलर लिया था, डार्क ब्राउन लिया था, नहीं नेचुरल ब्राउन लिया है, तो उसमें ना अच्छा नहीं आया कलर, मुझे नहीं आया पसंद। देखेंगे नेक्स्ट टाइम कुछ और कलर करेंगे तो बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी कौन सा लगाया है, अभी तो फ़िलहाल इससे ब्लैक हो गए मेरे बाल। तो बस यहाँ पर मैं बात कर दी फ़ोन पे किसी से, बात करते करते मैंने यहाँ पर झाड़ू भी लगा ली है अंदर, तो मैंने क्लीन कर ही लिया था और क्या नाम है झाड़ू लग गई है, उसके बाद यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। तो पोछे में ना थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करना, तो वह जितना हो पाया उतना आपको दिखा दिया है। और नन्नू को भी नहलाना है, यहाँ पर सारा मैट वगैरह बिछा दिया है, तो चलिए अभी पहले फटाफट इसको नहला कर आते हैं। चुप चुप बस मैंने भी नहा लिया है, हेयर वॉश हो गए हैं, मैंने शैम्पू नहीं किया था, सिर्फ कंडीशनर से ही किया था वॉश, और बर्तन भी जोड़ लिया मैंने यहाँ पर। और टाइम पता 12:15 हो गया था यहाँ पर, और संडे का दिन हमारा कुछ ऐसे ही गया, पूरा दिन काम में निकल जाता है, फंडे तो कुछ होता ही नहीं है,
नॉर्मल डे की तरह ही होता है। तो बस यहाँ पर मैं पपाया को कट करी थी क्योंकि मुझे पढ़ाना था नन्नू को, तो मुझे ये था कि उसको कुछ खिला दूँ, क्योंकि अगर उसको कुछ खिला के नहीं बिठाओ ना पढ़ने के लिए तो उसके बहाने होते हैं कि ये खाना है वो खाना है, भूख लगी है प्यास लगी है। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उसको खिलाती हूँ फिर पढ़ने के लिए बिठाती हूँ, इससे उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, बहाना नहीं मिलता। तो बस इसीलिए अब उसको खिला दूँगी और वो आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाएगा और कम से कम 4 घंटे लेगा ही लेगा, क्योंकि नौटंकी कर करके पढ़ना उसको कभी सीरियस होकर पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं पपीता को कट करती हूँ और व्लॉग एंड भी मैं यहीं करती हूँ। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।